क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैज अ पेरिमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल निकालना है, एरिया निकालना है आपको। एक इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, और इक्विलेटर ट्राइंगल जो होता है आप जानते हैं उसकी दो साइड्स क्या होती है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको हमारे पास जो है साइड की हम बात कर लें। तो हमने लिखा क्या, लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है तो बी भी हमने लिख लिया 12 सेंटीमीटर, सी अननोन है इसको हमने ले लिया एक्स, और आपके क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है। क्या कर रहा है, पेरीमीटर आपके पास दे रखा है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर पेरीमीटर उसने ऑलरेडी दे रखा है 30, ए की जगह 12, बी की प्लस पर भी 12 और सी की जगह पर एक्स, ये हो गया 30, 12 + 12 = 24 प्लस एक्स। यदि 30 में से 24 को माइनस करते हैं तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इस तरह से एक्स इक्वल हमारे पास आता है 6। ये क्या हो गया आपका सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई सी, मतलब यहाँ पर ये एक्स जो है हो गया 6, सी जो है वो हो गया एक्स। अब एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो देखिए 12 + 12 + 6 डिवाइड बाय 2। अब देखिए दोनों का प्लस करते हैं तो आई थिंक हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। तो अपना पेरीमीटर हो गया। अब हमको याद है हेरोंस फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी ऑल्सो एस माइनस सी। यहां पे देखिए एस रिप्लेस हो जाएगा 15 से, यहां हो जाएगा 15 - 12 और 15 - 6। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 15, 12 में से 15 जाएंगे तो 3 ऑल्सो 3 प्लस रिमेनिंग बच गया आपके पास 5। देखिए 5 ही बचेगा क्या कि 9 बचेगा ना, ये होगा आपका 9। अब हमने पहले भी बोला है कि फैक्टर जो करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि उनका मल्टीप्लाई नहीं हो, टुकड़े कर दो। 15 को लिख दो 5 × 3, 3 ऑलरेडी आपके पास दे रखा है, अगेन 3 आपके पास दे रखा है, साथ में 9 को लिख दिया 3 × 3। अब आपके पास जोड़े बन गए, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब इस हिसाब से आपके पास आ गया 9 तो बाहर आ गया और अंदर बच गया 5 × 3, तो अपने पास आ जाएगा 9 × 15, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास बनने वाला एरिया ट्राइंगल जो होगा वो हो जाएगा आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।